लगातार कई दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित होने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और वे सड़कों पर उतरकर बिजली विभाग के खिलाफ धरने पर बैठ गए। लगभग 43 डिग्री तापमान में अम्बाला छावनी के कई वार्ड बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। बता दें, इस तपती गर्मी में पिछले कई दिनों से अम्बाला के निवासी बिजली की किल्लत झेल रहे हैं, जिसके चलते लोगों को गर्मी के मौसम में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की समस्या से जूझ रहे लोगों ने घंटों सड़क पर जाम लगा दिया, जिससे यातायात बाधित हो गया। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि पिछले 72 घंटों से उनके घरों में बिजली नहीं आई, जिसकी वजह से घरों में पानी भी नहीं आ पा रहा। इस तपती गर्मी के बीच लोग घरों से बाहर निकलकर बैठने पर मजबूर हो गए हैं। उनका कहना था कि बिजली विभाग के अधिकारियों को भी इसकी कई बार सूचना दी गई, लेकिन कोई भी अधिकारी इसकी सुध नहीं ले रहा। आलम यह है कि यहाँ के लोग गर्मी में परेशान हो रहे हैं। उनका कहना है कि 3-3 ट्रांसफार्मर लगे होने के बाद भी यहाँ लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई कि उनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। वहीं बिजली विभाग के एसडीओ का कहना है कि जो भी समस्या हमारे पास लोग लेकर आते हैं, कोशिश रहती है कि उनकी समस्या जल्दी से जल्दी समाधान हो जाए। उन्होंने बताया कि जो एरिया है वह सब डिवीजन नंबर 1 में लगता है, लेकिन लोग समस्या लेकर सब डिवीजन 2 पर आ जाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने की कोशिश करते हैं। और पिछले लगभग 4 दिन से इस एरिया में बिजली की समस्या आ रही है। बिजली की भी समस्या क्या है कि ट्रांसफार्मर फूक गया था इस एरिया में 3 दिन पहले, और यहाँ पे 3 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। प्रशासन द्वारा एक टेम्परेरी ट्रांसफार्मर रखा गया, एक दिन पहले उसमें पूरा दिन लगा दिया गया, उसके बाद उसको हटाने में पूरा दिन लगा दिया गया। आज नया ट्रांसफार्मर कल रख दिया गया, उसमें पूरा दिन लगा दिया गया। नए ट्रांसफार्मर रखने के बाद से इस एरिया में वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं है। शिवपुरी कॉलोनी पड़ता है, गुरु नानक नगर जी पड़ता है, तो मैडम यहाँ से ना 72 घंटे से लाइट नहीं है, और कल यहाँ पे बहुत शॉर्ट हुए हैं, वहाँ तारे शॉर्ट हुई हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, इन्वर्टर ने दम तोड़ दिया है। कल हमारा एस्टेब्लिशमेंट डे था, वहाँ पे भी कुछ लोगों ने धरना लगाया था, वहाँ पे भी लोग पहुँचे थे, आपको पता होगा। तो एक्चुअली था क्या, वहाँ पे जो लोग पहुँचे थे, हमारी सब डिवीज़न का एरिया नहीं आता था, जो डिस्टर्ब एरिया वो अम्बाला गेंट नंबर 2 पे नहीं है, बट होता क्या कि फोन अम्बाला गेंट नंबर 2 पे ही मोस्टली आ जाते हैं, तो मेरे पास जो कंप्लेंट्स आती है मैं आगे जो अदर सब डिवीजन से। खबरनामा हरियाणा के लिए अम्बाला से पारुल गर्ग की रिपोर्ट।